गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मौर्य श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से सहायक अध्यापक कंप्यूटर साइंस। आज हम आप लोगों को बाइनरी नंबर के बारे में तथा बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवाइडेशन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग को जहां ना समझ में है वहां आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले तो हम जानेंगे बाइनरी नंबर होते क्या हैं, ठीक ना। तो बाइनरी नंबर जो होते हैं जीरो और वन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। आइए देखिए, बाइनरी नंबर, ठीक ना। तो बाइनरी नंबर जो होंगे वो जीरो के फॉर्म में होंगे या वन के फॉर्म में होंगे, दो ही इसका कंडीशन होगा, या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे, ठीक ना। तो आप लोग चाहे जहां भी देखेंगे अगर बाइनरी नंबर लिखा है आप समझ जाएंगे तो जीरो या वन लिखा होगा तभी बाइनरी नंबर। जैसे उसका एग्जांपल है, या तो ऐसे लिखा होगा जीरो जीरो जीरो, ठीक, वन जीरो वन वन जीरो, ये सब क्या है बाइनरी नंबर में लिखे हैं, ठीक ना। अब इसी का देखना है हमको कि बाइनरी में एडिशन कैसे किया जाता है, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे किए जाते हैं, अब इसको हम देखें। देखिए बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, ठीक। तो बाइनरी एडिशन मतलब बाइनरी संख्याओं का योगफल। तो योग इसका करने से पहले हम जानेंगे, अगर देखो आपके पास अगर योग करना है तो आपके पास दो संख्याओं का होना जरूरी है, ठीक। तो जब तक दो संख्याएं नहीं होंगी आप जो किसी भी संख्याओं का योग नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास मान लो ए और बी दो नंबर हैं, तो ए में कुछ नंबर होंगे और बी में कुछ नंबर होंगे, तब इनका योग आएगा ए प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पे ए और बी हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको बाइनरी एडिशन सीखना है तो जब तक इनके बारे में आप नहीं जानेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखें रूल, यहाँ पर जीरो और जीरो होंगे, क्योंकि आपको अभी हम बताए हैं कि जो बाइनरी का एडिशन होता है या बाइनरी जो नंबर होते हैं अगर वहाँ पे जीरो या वन के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे जीरो और जीरो, जब जीरो और जीरो को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो, ठीक ना। आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन जीरो वन, मतलब ए में जीरो हो और बी में वन हो, तब कितना आएगा, यहाँ पे आया वन, क्योंकि हम जीरो सिंपल जोड़ेंगे, अगर जीरो में वन कितना आएगा, वन आएगा, ठीक। आगे देखिए वन में जीरो को जोड़ेंगे कितना आएगा, वन आएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट वाली कंडीशन है वन और वन, ठीक, ये लास्ट कंडीशन वन और वन, तो सिंपल हम जोड़ते हैं जब वन और वन, ठीक ना। तो वन और वन को जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा, टू मिलेगा, लेकिन बाइनरी में लिखना है हमको, तो बाइनरी में टू को कैसे लिखते हैं, वन और जीरो, वन और जीरो, ठीक। तो यहां पे देखिए जब हम सिंपल जोड़ करते हैं तो उसमें जो दाईं तरफ संख्या रहती है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, और जो बाईं तरफ संख्या रहती है उसको हम कैरी के रूप में लिखते हैं, हासिल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे कितना है जीरो, यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो, ठीक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वन क्या है, कैरी है, कैरी मीन्स हासिल। आइए देखें अब आपको समझ में आ गया, जब जीरो होगा दोनों संख्याएं जब जीरो होंगी तब जुड़ने पर कितना आएगा, जीरो आएगा, जब एक जीरो होगा दूसरा वन होगा तो कितना आएंगे, वन आएगा, फिर यहाँ पे वन और जीरो होगा तो कितना आएगा, वन आएगा, अब यहाँ पे वन और वन होंगे कितना आएगा, जीरो आएगा, और वन आपका कैरी हो जाएगा। अब अगर ये आपको आते रहेंगे तभी आप बाइनरी का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बाइनरी का एडिशन कैसे किया जाता है। देखो बच्चों एग्जांपल ले लो
1 1 0 1 0 1, ठीक। अब यहाँ पे 1 0 1 इसी को ऐड करना है। नॉर्मली ऐसे जोड़ते हैं तो देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ठीक ना। अब यहाँ से 1 और 1 को जोड़ना है, तो अभी कितना हम बताए थे, 1 और 1 को जब जोड़ते हैं तो 1 और 0 आता है, मतलब 2 होते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया और हमारा 1 कैरी है, ठीक ना। तो 1 कैरी को हम यहाँ नोट कर देते हैं, ठीक ना, इसको बाद में फिर से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। अब 1 और 0, 1 और उसके नीचे कितना है, 0 है, तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 और 0 कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 1। अब यहाँ पे इसको 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 1 और 0 1 हुआ था, अब यहाँ पे 1 और 0 कितना हो गए, 1 हो गए। कैरी तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 0, ठीक ना। तो 0 हो गए, तो यहाँ पे एक कैरी। अब यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं आप, पहले इसको आप अलग से कहीं नोट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए आया 1 जो कैरी वाला है इसका, तो यहाँ पे 1 और कितना नीचे, 0 है, तो यहाँ पे 1 और 0 कितना हो गया, 1 हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे अब नीचे इसके कुछ नहीं है ना, अगर हम जोड़ करते हैं तो 2 संख्या होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ ऐसे उतार लेंगे, इसको आपका इतना आ गया, ठीक, ये आपका हो गया बाइनरी का एडिशन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है 1 0 0 1 0 1, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख दो 0 1 0 1 1, ऐसे कर दो। अब देखो 1 और 1, अभी आपको बताएं कि 1 और 1 जब लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 0 और एक कैरी, कैरी को यहाँ हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो कैरी है उसके नीचे कितना है, 0 है, तो यहाँ 1 और 0 कितना हो जाएंगे, 1। फिर 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 0, लेकिन एक कैरी मिला हमको, तो कैरी यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक। अब कैरी यहाँ नोट कर लिए, फिर 1 और उसके नीचे कितना है, 1, तो 0 हो जाएंगे, तो 0 यहाँ नोट कर लो और 1 को यहाँ नोट कर लो जो कैरी मिला है, ठीक। अब यहाँ पे 0 और 0 कितना हो जाएंगे, 0, ठीक। अब यहाँ पे 1 आया जो कैरी वाला है, उसके नीचे 2 संख्याएं हैं, एक 0 है दूसरा भी 0 है, तो उसको देखो, अब 1 और 0 कितना हुआ, 1 हुआ, फिर 1 उसके नीचे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, कैरी तो मिला नहीं है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 0 और 1 1 हो गया यहाँ पे, ठीक। यही आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपको एडिशन समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए अब अगर आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास तो 2 अगर रहेंगे, 2 संख्या रहेंगे ए और बी, मानो ए और बी हैं, तो उसमें अगर ए में से बी को घटाओगे, ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे ए है और बी है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ए और बी, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे 0 और 0 ले लो, तो 0 और 0 लोगे कितना मिलेगा, 0, क्योंकि माइनस करना है, 0 से 0 को घटाओगे 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे दूसरा 0, 1 में से अगर 0 को घटाएंगे आपका 1 मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या से अगर हम 0 को घटाते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 में से अगर 1 को घटाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यही कंडीशन है,
जीरो में से वन, मतलब जीरो में से अगर कुछ संख्या को घटाएंगे तो नहीं घटता है, तो क्या करते हैं घटाओ, घटाओ की क्रिया में हम उधार लेते हैं। तो हम अगर उधार लेंगे, एक अंक उधार लेते हैं दहाई के रूप में जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम दो, ठीक ना, तो अगर हमको घटाना है तो यहां से हम एक का ये जो संख्या है छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो इसमें से नहीं घटेगा, तो यहां से हम अगर उधार लेते हैं एक, तो दहाई के रूप में जाता है, यहाँ कितना बन जाता है दस और दो बारह, बारह में से नौ को तो घटाते हैं, ऐसे यहाँ भी जब उधार आएगा दहाई के रूप में आएगा, दहाई का मतलब यहाँ हो जाएगा दो, तब यहाँ पे हो जाएंगे दो, फिर दो को अगर एक, दो में से एक को घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ मिल गया एक, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वन बारो, ठीक। अब यहाँ पे चौथा कंडीशन है वन माइनस वन, वन को वन से घटाएंगे कितना मिलेगा जीरो, ठीक ना, आया समझ में आपको, फिर से देखिए एक बार, जीरो माइनस जीरो आया कितना जीरो, फिर यहाँ वन मीन्स वन माइनस जीरो, यहाँ आया वन, यहाँ पर जीरो और वन, जीरो से वन को नहीं घटा पाएंगे तो एक को हम उधार लेंगे, यहाँ बन जाएगा दो, फिर दो में से एक को घटाएंगे आया एक, और एक आपका बार हो गया, ठीक। अब यहाँ पे वन और वन दो है तो दोनों में से घटा लेंगे, यहाँ आपका आया जीरो, ठीक ना, आपको समझ में आया होगा ये टेबल। अब देखिए, अब घटाव करते हैं हम, पहला एग्जाम्पल वन वन जीरो वन जीरो वन, ठीक, वन जीरो वन जीरो वन, यही माइनस करना है इसमें से, ठीक। आइए देखते हैं, वन वन में से वन को घटाएंगे कितना मिलेगा जीरो, ठीक, यहाँ पे जीरो से जीरो घटाएंगे कितना मिला जीरो, फिर यहाँ वन में से वन को घटाएंगे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ लास्ट, ये तो सिंपल है, यहाँ से वन घटा दिए जीरो हो गया, जीरो में से जीरो को घटाएं जीरो, यहाँ वन से वन जीरो, यहाँ पे जीरो माइनस जीरो कर दिए जीरो हो गया, अब यहाँ पे वन माइनस वन कर दिए जीरो हो गया, यहाँ पे। आइए दूसरा देखते हैं, ये तो सरल है आपका, वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो। अब देखते हैं इसको, देखो वन में से जीरो को घटाएंगे, मतलब यहां आ जाएगा वन, कोई संख्या उसमें से जीरो को घटाना है, ठीक ना। अब यहां पे देखिए जीरो है, यहां जीरो में से वन को घटाएंगे नहीं घटेगा, ठीक ना, तो यहां पे आप एक उधार लेंगे, तो जब यहां उधार लेंगे तो यहां से दहाई के रूप में उधार जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, यहाँ पे जब दो हो जाएंगे, अब दो में से एक को घटाएंगे कितना आ गया एक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपका जीरो हो गया, ठीक, जीरो हो गया, अब यहाँ पे फिर जीरो में से जीरो को घटा देंगे आया जीरो। अब देखिए फिर यहाँ आ गए, यहाँ पर जीरो है और जीरो के जीरो में से वन नहीं घटेगा, ठीक ना, तो हम यहाँ से जस्ट उधार लेंगे, देखिए हम यहाँ उधार लिए, इनके पास भी जीरो, ये नहीं उधार दे सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से उधार लेते हैं, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से जब पहले यहाँ उधार लेके आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दो बनेगा, ठीक ना, यहाँ दो बन गया क्योंकि दहाई के रूप में जाएगा और दहाई के रूप में लिखते हैं इसको दो, ठीक। अब देखिए यहाँ जब दो बन गया, अब यहाँ से हम एक उधार लेंगे, तब यहाँ कितना बन जाएगा दो, दो यहां बन जाएगा, ठीक ना। अब जब दो यहां बन जाएगा तो यहां पर कितना बचा एक बचा, क्योंकि हमें उधार लिए हैं, ठीक ना, यहां। अब यहां बन गया जब दो, फिर दो में से एक को घटाएंगे कितना हो गया एक, यहां बचा एक, क्योंकि हम दो जब उधार लेके आए थे एक ही यहां बचा है, जब एक यहां उधार दे दिए, ठीक ना, तो यहां पे एक जब बचा है, एक में से एक को घटाएंगे तो हो गया जीरो, ठीक। अब यहां से हम तो उधार लेके चले गए थे इसीलिए यहां पे बचा है जीरो, ठीक ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो, इसको हम रिमूव कर दें वन वन, ठीक ना,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक आया होगा समझ में आपको। एक और देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हाँ यहाँ से जीरो ले जाएंगे, यहाँ पे दो बन जाएगा, यहाँ से फिर अगर एक भी यहाँ से उधार जाता है यहाँ पर एक ही बचता है, यही भी आपको समझना है। देखते हैं दूसरा, वन जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो वन वन यहाँ पर वन। ठीक इसको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दो। अब देखिए वन में से वन को घटाएंगे कितना आएगा, जीरो आ गया। ठीक ना, अब यहां से देखिए जीरो जीरो में से वन को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो क्या करने यहाँ पे उधार लेंगे, उधार जब लेंगे यहाँ हो जाएगा आपका दो बन जाएगा, फिर दो में से एक को घटाएंगे एक हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे बचा कितना जीरो, क्योंकि हम उधार ले लिए हैं तो यहाँ पे जीरो बच्चा, जीरो में से जीरो को घटाएंगे आ गया जीरो। फिर यहाँ पे आ गया जीरो है, अब जीरो में से वन को घटा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ देखिए उधार लेंगे, इनके पास भी नहीं उधार मिलेगा, इनके पास भी नहीं उधार मिलेगा, हम यहाँ से उधार लेंगे। ये जब इनको उधार दिए तब इनके पास कितना हो गया दो, अब इनके पास ये इनसे उधार लिए। ठीक ना, तो यहाँ पे एक जब उधार इनको मिला ये भी बन गए दो, अब यहाँ बचा एक, यहाँ बचा कितना एक बचा। अब ये देखिए अब इनको उधार देंगे तब ये दो बन गए, ये बन गए एक। ठीक ना, अब जब दो बन गए अब दो में से अब इसको घटा सकते हैं, फिर यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो में से एक को घटा दिए आया एक, अब यहाँ कितना बचा है वन बचा है। ठीक, वन में से वन को घटा दिए कितना हो गया जीरो, फिर यहाँ बचा है वन, फिर यहाँ पे नीचे कोई संख्या नहीं है तो ऐसे उतार देंगे यहाँ, तो इसको हम उधार लिए थे इसको हम जीरो लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि कोई भी संख्या अगर उसके दाहिनी बाई तरफ जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है, जब जब अगर कोई मतलब होगा अगर दाहिनी तरफ है तभी उसका मतलब होगा। ठीक ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपका आ गया। ठीक, अब देखते हैं बाइनरी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए कोई भी संख्या है अगर बाइनरी संख्या में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको तो दो संख्याएं जरूरी हैं, ए और बी के फॉर्म में जो टेबल हम आपको बताए हैं उसको याद करिए, ए और बी जो टेबल है ए क्रॉस बी। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर दोनों संख्याएं जीरो होंगी, ठीक दोनों संख्याएं जब जीरो होंगी तब इनका जो गुणा करने पे कितना आएगा जीरो, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है अगर उसमें जीरो का गुणा करते हैं कितना आता है जीरो। ठीक, ये हो गया जीरो, अब यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है तब कितना आएगा, तब भी जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि दो दोनों संख्याओं से अगर कोई भी संख्या जीरो होगी तो क्या उसका आएगा गुणा के रूप में जीरो आएगा। अब यहाँ पे जीरो और वन, यहाँ भी आ गया जीरो, अब यहाँ पे वन है तब दोनों अगर वन होंगे तब हो गया वन। ठीक ना, इसके बाद अब देखते हैं इसका एग्जांपल, देखो पहला एग्जांपल देखो इसका वन वन जीरो वन वन जीरो, छोटा सा एग्जांपल देखो, अब इसका हम गुणा करते हैं, जीरो का गुणा वन में करेंगे कितना आएगा जीरो आएगा, अभी आपको टेबल में बताए हैं, फिर इसके बाद जीरो का सब में गुणा करेंगे कितना आएगा सबका जीरो आएगा, जीरो फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ से गुणा हो गया इसका जीरो, फिर यहाँ से जीरो। ठीक, अब यहाँ वन का गुणा इसमें हो गया तो वन, यहाँ क्रॉस करते हैं जो गुणा का नियम है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान से लिखना चालू करते हैं, यहाँ पे वन का गुणा इसमें हो गया वन आ गया और यहाँ जीरो हो गया, यहाँ वन और यहाँ वन। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस करते हैं, इसको ऐड करते हैं गुणा में, यही
नियम होता है। देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, आंसर आ गया आपका। देखिए गुणा में गुणा भी कर रहे हैं आप, लेकिन लास्ट में जो जोड़ का नियम, अगर आपको जोड़ नहीं आता तो यहाँ देखिए इसको नहीं जोड़ पाते, क्योंकि अगर गुणा आपको तभी आएगा जब आपको जोड़ आएगा, ठीक ना। तो जब जोड़ आपको आ गया तब देखिए आप गुणा कर पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए बाइनरी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। बाइनरी संख्याओं का भाग, बाइनरी ग्रेडेशन, ठीक, इसमें भी वैसे है। अब इसको देखते हैं एग्जांपल में, क्योंकि हम आपको गुणा भी बताए हैं, जोड़ भी बताए हैं और घटाव भी बताए हैं, इसका हम देखते हैं। वन जीरो वन, इसका हम वन जीरो से भाग कर दें, ठीक। अब देखिए कितनी बार, अगर एक बार इसको भागेंगे तो यहाँ आया वन, अब यहाँ पे हो गया वन और जीरो, ठीक ना। अब इसको यहाँ से क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक ना। आपको पता होगा भाग के नियम में, फिर यहाँ पे हो गया जब जीरो और यहाँ भी जीरो हो गया, तब यहाँ से एक संख्या उतारी जाती है, तो यहाँ पे जो वन बचा है यहाँ इसको उतार लेते हैं, ठीक। यहाँ आपका आ गया ही शेषफल, इसको हम लिखते हैं, यही हमारा शेषफल। भाग को चेक करने का विधि आपको पता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तब तो आपका ये वाली संख्या मिल जाती है, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक बार वन वन हो गया, अब यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर इस जीरो को उतार लिए। अब देखिए आप तो आपका भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतारने के लिए यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, ये हो गया। अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, एक जीरो और भागेंगे तब इस संख्या को उतारेंगे। अब भाग जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार यहाँ पे भाग ले गए, यहाँ पे आ गया जीरो जीरो, ठीक। आप यहाँ पे घटा दिए तो यहाँ पे आ गया जीरो, आपका शेष पद हो गया, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे आपको आज क्या पढ़ाया गया, बाइनरी संख्याओं, बाइनरी संख्या पहले क्या होती है और बाइनरी संख्याओं का जोड़, बाइनरी संख्याओं का घटाव और बाइनरी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, बाइनरी संख्या का भाग कैसे देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। अगले वीडियो में आपको कुछ अलग बताया जाएगा बाइनरी संख्या के बारे में, या बाइनरी संख्याओं का जो अलग क्रिया है उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।